1 अगस्त 2022 से वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने की सर्विस चालू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दी है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखकर आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड में अपने आधार कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। नए वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन दोस्तों जब से वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने की सर्विस चालू हुई है तो वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बदल चुका है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नई तरीके से आधार कार्ड अपडेट के साथ अपना वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो नया वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से दोस्तों आप नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इन सभी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको नीचे आना है। यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिखाया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड हमारा पहले से डाला हुआ है। अगर आपको नई आईडी यहाँ पर क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको जाना है डोंट हैव अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिससे भी यहाँ पर आप अपनी आईडी बनाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाए गए हैं, आई हैव एपिक नंबर, यानी अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर आपके पास होगा तो यहाँ पर आप उसका नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड आप इस आईडी का बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर सेम पासवर्ड आपको नीचे डालना है। पासवर्ड आपका कम से कम 6 करेक्टर का होना चाहिए और जो पासवर्ड में आपका नंबर यूज करेंगे वो किस तरीके से होना चाहिए, एक नंबर दोस्तों 0 से 9 तक होना चाहिए और एक कोई स्पेशल करेक्टर और एक दोस्तों अल्फाबेट करेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप ईपिक नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको नाम डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपके वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फेच कर लेगा। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम हो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है या सरनेम है तो वो यहाँ पर आपको डालना है। आप अपना पूरा नेम फर्स्ट नेम में भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और जैसे मैंने बताया पासवर्ड आप फिल कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपकी लॉगिन आईडी होगी और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपका लॉगिन आईडी का पासवर्ड होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है और जो यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दिखाया गया है ये यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी दिखा दी जाएगी। अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं यहाँ पर लॉग आउट भी हो सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सभी ऑप्शन खुल चुके हैं। आप नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर नीचे आकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको वोटर आईडी कार्ड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमें करना है दोस्तों नई तरीके से वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई, तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पे जाना है, रजिस्टर एज ए न्यू वोटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर्म 6 आपको दिखाया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस फॉर्म को दोस्तों आप हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर यहाँ पर आप हिंदी करना चाहते हैं या अपनी कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल ऑल इंडिया के लिए, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो इस पोर्टल से आसानी से वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम अपने वोटर आईडी कार्ड को फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों इस बार नया प्रोसेस आया है तो वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने का फॉर्म पूरा एक स्टेप में दिखाया गया है, लेकिन पहले वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म अलग अलग स्टेप में पूरा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी विधानसभा या असेंबली यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। असेंबली सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका नाम हिंदी में ठीक नहीं आता तो यहाँ पर कीबोर्ड का आइकन दिखाया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में आप अपने अकॉर्डिंग नाम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका कोई सरनेम है या लास्ट नेम है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव का नाम डालना है। रिलेटिव का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आप पिता या पति का नाम डालेंगे। अगर किसी शादीशुदा महिला का यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं
तो यहाँ पर दोस्तों उनके पति का नाम इंग्लिश में आएगा और यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलेशन टाइप सिलेक्ट करना है कि फादर है, हस्बैंड है, जो भी हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी डालनी है। अगर ईमेल आईडी दोस्तों पिता या पति की है तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों ये नया ऑप्शन आया, पहले आधार कार्ड नंबर डालने का हमें ऑप्शन नहीं मिलता था। आधार नंबर डालने के बाद नीचे जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है कि जिसका वोटर आईडी कार्ड हम अप्लाई करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कोई भी पर्सन जिनकी एज 18 साल है वो आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकता है। अगर दोस्तों आपकी एज 21 साल या उससे ज्यादा है तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं 1997 डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसे आपको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और यहाँ पर आपको नाम लिखना है, उसके बाद पिता या पति का नाम डालना है और आरू के आगे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपनी असेंबली का नाम डालना है, यहाँ पर पैलेस में आपको अपनी सिटी का नाम डालना है, नीचे आपको डेट डालनी है और जिसके नाम से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर कराने हैं या उनका अंगूठा लगाना है। अगर आपकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं है तो फिर आपको इस फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कम करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर 2003 सिलेक्ट करता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये फॉर्म हट चुका है। यहाँ पर केवल हमें अपना आधार कार्ड अपलोड करना है बर्थ प्रूफ के रूप में। यहाँ पर आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी और डॉक्यूमेंट दिखाए गए इनमें से कोई डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। आधार कार्ड की आपको दोनों साइड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है और उस फोटोकॉपी पर आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 5 MB तक का डॉक्यूमेंट आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपका JPG साइज में होना चाहिए, यानी PDF में नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके नाम में यहाँ पर कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपने एड्रेस की डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है। नीचे दोस्तों आप लोकेलिटी या मोहल्ले का नाम डालेंगे, यहाँ पर रोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपने टाउन या विलेज का नाम डालेंगे। नीचे पोस्ट ऑफिस आपको अपना यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपकी तहसील क्या लगती है, तहसील का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में डालना है, हिंदी में यहाँ पर सभी चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालने का ऑप्शन दिखाया गया, यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। पिन कोड डालने के बाद आपका शहर और आपकी स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना है, नीचे भी यहाँ पर हम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज भी 5 MB तक होना चाहिए और इसकी दोनों साइड की फोटो कॉपी यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड में आएगा यहाँ पर आप फोटो सिलेक्ट करेंगे और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी अगर आप डिसेबल है, आप कोई विकलांग पर्सन है तो यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे दिखाया गया फैमिली की डिटेल डालनी, यानी फैमिली का वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है आपको। अगर आपकी फैमिली में से किसी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे और उनका नाम यहाँ पर डालेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, जब आप पोलिंग बूथ में वोट डालने जाते हैं, अगर आप अपनी फैमिली का वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे तो आपका सेम बूथ में यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अगर आपकी फैमिली में से किसी का भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो आप अपने आसपास से किसी भी के भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, उनका नाम डाल देंगे और यहाँ पर नीचे रिलेशन है इसमें यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाया गया है, यहाँ पर आपको अपनी बर्थ का डिक्लेरेशन देना है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, उसकी लोकेलिटी का नाम डालेंगे, स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी जन्म हुआ है और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है। और दोस्तों नीचे यहाँ पर डेट का ऑप्शन दिखाया गया है कि यहाँ पर कौन से आपको डेट डालनी है, कि इस वाले एड्रेस पर जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है जिसपे वोटर आईडी कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं तो उसकी डेट डालनी है। अगर आप जन्म से रह रहे हैं, आपका जन्म इसी एड्रेस पर हुआ है, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आपको पैलेस डालना है, यानी जिस सिटी में आप इस वक्त रह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डालना है और यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप अपनी सभी डिटेल आसानी से चेक कर सकते हैं, आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा और जो डिटेल आपने फॉर्म में फिल किया वो सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो यहाँ पर नीचे बैक वाले ऑप्शन आपको दिखाया गया है, बैक वाले ऑप्शन में जाकर आप अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में सभी चीज ठीक है, आपने सभी चीज फिल किया अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड की एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं बना है। वोटर आईडी कार्ड बनने का जो टाइम है दोस्तों 1 महीने से 3 महीने तक आपका वोटर आईडी कार्ड बनने में लग सकता है। वोटर आईडी कार्ड बनने में लग जाता है। जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है उसके बाद बाय पोस्ट आपका वोटर आईडी कार्ड आपके एड्रेस पर आ जाएगा।
अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हो, यहाँ पर आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर अभी मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, किस दिन आपने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद BLO अपॉइंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर मिल जाएगा। उस नंबर से दोस्तों आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर सभी आपकी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से नई तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आसानी से बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।